आज जो पहले से शुरुआत 6 तारीख से ऐलान हुआ है कि भाई साइक्लोन आने वाला है, उसकी वजह से हमको BSF वाला सब आके हमको घर घर जागरूक किया कि भाई यह तूफान आ रहा है तो आपके लिए क्या है। तो मैं बोला भाई हमारे पास आ जाओ, हमारे पास पूरी व्यवस्था आपके लिए खुली है, तो बाल बच्चे जो है वो सब लेके उधर आ जाओ, मैं आपको जो है उसके लिए व्यवस्था करेंगे, पूरी व्यवस्था पाएंगे, तो इधर आ जाओ। तो मेरे को आज पूरी व्यवस्था किया है, आज मेरे साथ पूरा वो तैनात है, आज मेरे लिए वो ठीक है, पूरा मेरा बाल बच्चा लेके इधर रूम भी मिला है, खाने पीने की भी वो व्यवस्था कर रहा है, सब हमारे लिए अच्छा है। अब ऊपर साइकिल वाले की मेरे को चिंता हुई, वो चिंता आज मेरी वो दूर कर रहे हैं। ठीक है, BSF का खूब खूब आभार कि हमारे लिए इतना चिंता किया, ये इतनी मेरे वो आगे बढ़ के पगला बढ़ रहा है, वो उसकी बहुत अच्छी बड़ी चीज़ है, हमको लिए बहुत अच्छा किया है, हमको पूरा आशीर्वाद दिया है। तो मेरा बच्चा, मेरे जो ये परिवार है सब उसके लिए सलामती जगह पे लेके वो संभाल रहे हैं, उसकी चिंता में अभी बहुत जो है वो लगे हुए, तो बहुत बढ़िया अच्छा काम किया है। जय हिंद, जय भारत। देखिए जिस प्रकार से गांव के लोग हैं यहाँ पे, इनको इतनी जानकारी नहीं होती है, और हमारे को जो साइक्लोन था विदर्भ इसकी जानकारी पहले से थी, तो हमने पहले अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी, साथ साथ इस तरह से भी तैयारी कर रखी थी कि गांव वालों को अगर शिफ्ट करना पड़ेगा तो हम उनको भी यहाँ करेंगे। इससे पहले 3 दिन तक हम अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी में पूरी तरह से तैनात थे, और अभी पिछले 2 दिन से हम कैंपस में गाँव वालों को अपने करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और कर रखी थी। और गुनाव के लगभग 75% जो हमारे यहाँ पे आ गए हैं उनको हमने यहाँ रखा हुआ। जैसा कि बिपरजोय जो तूफान है, साइक्लोन है, वो हमारे इस इलाके में टकराने वाला है, उसके लिए हमने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी, साथ में नज़दीक में जितने भी गांव के लोग हैं उनको सबको बता रखा था कि हमारे कैंप के दरवाजे तूफान के दौरान किसी भी स्थिति में आपके लिए खुले हैं, आप कभी भी आइए। तो उसी में आज तूफान का जो तेज़ आंधी का दौर शुरू हो गया, उसमें 75 आदमी बच्चे और लेडीज़ मिला के इसमें कैंप में हमने शिफ्ट कर दिया है, उनके यहाँ पे खाने पीने की सारी सुविधाएं हमारे अवेलेबल करा दी हैं। हम बॉर्डर की सुरक्षा तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ इसके लिए भी हम हमेशा तैयार हैं।